नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तेज रफ्तार की कहर से दो युवाओं को जान गंवानी पड़ी, जिसे भागलपुर हंसिया मुख्य मार्ग काफी समय तक जाम रहा। पहली घटना बाराहाट के डफरपुर के पास उस वक्त हुई जब रहमत नामक 32 वर्षीय युवक साइकिल से मजदूरी करने के लिए निकला था। उसी वक्त तेज गति से गुजर रही गैस सिलेंडर लदे ट्रक की चपेट में आया और घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद उसके परिजन और गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद में घटनास्थल पर थाना अध्यक्ष और बीडीओ ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क खाली कराया। वहीं दूसरी घटना रजौन थाना क्षेत्र के पुंसिया में उस वक्त हो गई जब तेज रफ्तार से गुजर रही मछली लदे ट्रक की चपेट में आया और बबलू यादव बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए ले जाने के दौरान मौत हो गई। बबलू यादव थाना क्षेत्र के मिर्जापुर का रहने वाला है, जो घटना के वक्त सड़क किनारे खड़ा था। पिछले वर्ष चांदन डैम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए वादे एवं पूरे होने के दिन आ गए हैं। किसानों के हित में चांदन डैम से गात उड़ाही को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई है। डीएम सुहर्ष भगत ने खनन पदाधिकारी व अन्य अधिकारियों के साथ चांदन डैम के लहसुनिया घाट का जायजा लिया। 1968 के दशक में बने चांदन डैम से आज तक गाद हटाने का काम नहीं किया गया था। विभागीय अभियंता की माने तो जलाशय में प्रतिवर्ष 7 गुना से अधिक गाद जमा हो रहा है। विभागीय सर्वे के अनुसार इस जलाशय से बांका और भागलपुर जिला के करीब 68,000 हेक्टेयर भूमि की पटवन होती थी, जो अब घट गई है। पहले जहां पर 1,10,000 एकड़ फुट पानी रहता था, अब वह घटकर 38,500 एकड़ फुट ही रह गया, जिसकी वजह से जल भंडारण की क्षमता काफी कम हो गई है। किसानों के हित में मुख्यमंत्री ने चांदन डैम से गात उड़ाही के लिए भारी भरकम बजट भी दिया है। डैम से पानी घटाने के साथ जिलाधिकारी ने खुद चलकर डैम का जायजा लिया। डैम से निकलने वाले सिल्ट व बालू कहां और कैसे भंडारण किया जाना है, साथ ही छोटी बड़ी वाहनों के आने जाने के लिए सड़क सुविधा का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि डैम तक आने जाने का रास्ता एवं बालू सिल्ट रखने के लिए जमीन आदि का मुआयना किया जा रहा है। इस अवसर पर एसडीओ मनोज कुमार चौधरी, टीओ नवल कुमार यादव, खनन पदाधिकारी के साथ सुरक्षा में जयपुर पुलिस मौजूद थे। अमरपुर थाना क्षेत्र के डुमरामा गांव स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम का उद्घाटन बैंक ऑफ बड़ौदा का बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा जोन के पूर्व जीएमडी मुखोपाध्याय एवं डॉक्टर पृथ्वी चक्रवर्ती ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर उन्होंने मौजूद ग्राहकों को संबोधित करते हुए कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपने स्थापना काल से ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास करती आ रही है। इस क्षेत्र के ग्राहकों ने एटीएम की मांग की थी, जिसे बैंक प्रबंधन ने पूरा कर दिया है। इन्होंने क्षेत्र के लोगों को बैंक से ज्यादा जुड़ने की अपील की है। इन्होंने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा महिलाओं एवं किसानों के लिए कई योजनाएं लेकर आई है। इन्होंने ग्राहकों से अपील करते हुए कहा कि बैंक शाखा से जुड़कर बैंक की सारी योजनाएं के संबंध में बैंक प्रबंधन से जानकारी लें। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक निरंजन कुमार, कैशियर अंकित झा, बैंक कर्मी कृष्ण कुमार मुखोपाध्याय, बैंक कर्मी सोनू सा, रजत तपस्वी, मानिक मिश्रा, सौमित्र चटर्जी, अजय चक्रवर्ती, रवि चटर्जी, गोविंद तपस्वी, महेंद्र मुखोपाध्याय, आनंद तपस्वी समेत काफी संख्या में बैंक के ग्राहक व ग्रामीण मौजूद थे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।